नमस्कार। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे भक्ति काल के अंतर्गत रामकाव्य परंपरा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा श्रीमद्भागवत पुराण। जो श्रीमद्भागवत पुराण था, इससे कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दो, रामकथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो जो रामकथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है रामायण में। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है तीन, तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से किस पर्व में महाभारत में रामकथा का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए आरण्यक पर्व। जो आरण्यक पर्व है, इसमें महाभारत में रामकथा का वर्णन मिलता है। ये जो आरण्यक पर्व है, ये महाभारत का है और इसमें रामकथा का जिक्र किया गया है। अगला जो प्रश्न है चार, तो यहाँ पर पूछा गया है, किस पुराण में रामकथा का कुछ अंश मिलता है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प डी, अर्थात उपयुक्त सभी। विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण, इन तीनों पुराणों में रामकथा का कुछ अंश मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं पाँच, किस जातक कथा में रामकथा है? तो यहाँ पर जो अनामक जातक है, इसमें रामकथा का जिक्र मिलता है। अगला प्रश्न छः, पौमचर्यम के रचयिता का नाम बताइए। जो पौमचर्यम है, इसके रचयिता का नाम है विमल सूरी। इसी के समान एक दूसरी रचना है पौमचर्यु, तो वो है स्वयंभू की। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है सात, तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित रामकथा कौन सी है? तो जो स्वयंभू द्वारा रचित रामकथा है, तो ये है पौमचर्यु। इसे हमने ऊपर पढ़ लिया था। अगला जो प्रश्न है आठ, तो पूछा गया है, महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है? तो जो महापुराण नामक जैन काव्य है, तो इसका संबंध है रामायण से, राम से, रामायण या राम किसी को भी आप बोल सकते हो। और जो महापुराण नामक रचना है, तो यह है पुष्पदंत की। अगला प्रश्न है नौ, तो प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन थे? तो देखिए, अभी हमने ऊपर से डिस्कस कर लिया था, जो महापुराण के रचनाकार थे पुष्पदंत। यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है दस, किस आलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सही विकल्प होगा षटकोप। जो षटकोप थे, इन्हें राम की पादुका का अवतार माना जाता था। इनका संबंध है आलवार से, ये आलवार भक्त थे। अगला जो प्रश्न है ग्यारह, तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है? तो ये है विकल्प ए ब्रह्म संप्रदाय। जो ब्रह्म संप्रदाय है, रामानुजा द्वारा प्रवर्तित है और इसमें राम भक्ति का विधान मिलता है। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर बारह, तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है? तो ये होगा विकल्प सी, अर्थात श्री संप्रदाय। जो श्री संप्रदाय है, ये रामानुजा द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है और इसमें राम भक्ति का विधान है। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों तेरह, प्रश्न में पूछा गया है, राम तारक मंत्र के रचयिता कौन थे? जो राम तारक मंत्र के रचयिता थे, तो ये थे रामानंद। यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है चौदह, तो पूछा गया है, धनुषबाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की थी? तो ये की थी विकल्प भी रामानंद द्वारा। अगला जो प्रश्न है, तो ये है पंद्रह, तो पूछा गया है, भक्ति का मार्ग उच्च नीच सबके लिए खोलने का श्रेय किस आचार्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है? तो ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय रामानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है सोलह, तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से भभूति का कौन सा ग्रंथ है जो रामकथा से संबंधित है? तो जो महावीर चरित है,
ये भभूति का ग्रंथ है और इसमें रामकथा का वर्णन मिलता है और ये रामकथा से संबंधित है। विकल्प सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17। तो पूछा गया है कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रामकथा है। तो ये है विकल्प बी रघुवंशम। जो रघुवंशम है ये कालिदास की रचना है और इसमें रामकथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 18। तो पूछा गया है दशावतार चरितम की रचना किसने की थी। जो दशावतार चरितम की रचना की थी तो ये की थी क्षेमेंद्र के द्वारा। विकल्प सी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है 19। तो पूछा गया है इनमें से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है जिसमें रामकथा है। तो यह है विकल्प ए रामायण मंजरी। जो रामायण मंजरी है ये क्षेमेंद्र की रचना है और इसमें रामकथा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है 20। तो पूछा गया है प्रसन्न राघव के रचयिता का नाम बताइए। जो प्रसन्न राघव के रचयिता थे तो ये थे जयदेव। विकल्प ए सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है 21। तो पूछा गया है तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम बताइए। जो तमिल भाषा में रचित रामायण है तो यह है कंब रामायण। इसे तमिल भाषा में रचा गया है और इसमें रामायण का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है 22। तो पूछा गया है इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें आते हैं भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण, मंगल रामायण। ये तीनों रचनाएं मराठी की हैं और इसमें रामायण का वर्णन मिलता है। ये रचना है भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण और मंगल रामायण। अगला प्रश्न देखते हैं 23। तो पूछा गया है अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। जो अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ है इसके रचनाकार का नाम है ईश्वरदास। विकल्प भी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है 24। तो पूछा गया है रामायण प्रश्न है 24 रामाष्टयाम के रचनाकार का नाम बताइए। जो रामाष्टयाम रचना है इसके रचनाकार हैं विकल्प सी अग्रदास। अगला प्रश्न है 25। तो पूछा गया है अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। जो अवध विलास रचना है इसके रचनाकार का नाम है लालदास। यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल सही ठहरता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद। 26। तो पूछा गया है हनुमान नाटक के रचयिता का नाम बताइए। जो हनुमान नाटक है इसके रचनाकार का नाम है हरिदेव राम। विकल्प डी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है 27। तो पूछा गया है इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कविता सविया शैली में लिखी गई है। तो ये होगा दोस्तों सी कवितावली। जो कवितावली है ये तुलसीदास की रचना है और इसे कविता सविया शैली में लिखा गया है। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 28। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है। जो राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने ग्रंथ की रचना की थी तो वो था विकल्प डी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है और इसे तुलसीदास ने राम के दरबार में भेजने के लिए लिखा था। डी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 29। तो पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प सी रुक्मणी मंगल। जो रुक्मणी मंगल है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। बाकी जो तुलसीदास की रचना है उन्हें देखते हैं। पहली है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरबेन रामायण। ये तीनों रचनाएं तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न है 30। तो पूछा गया है इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी अर्थात विकल्प डी। तो ये हैं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। ये तीनों रचनाएं तुलसीदास की हैं और इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 31। आरती कीजिए हनुमान लला की ये पंक्ति किस कवि की है। जो ये पंक्ति है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पंक्ति रहेगी रामानंद की। यहाँ पर विकल्प भी सही ठहरेगा अर्थात आरती कीजिए हनुमान लला की ये पंक्ति रामानंद की है। अगला जो प्रश्न है 32। तो पूछा गया है साकेत किसका लिखा हुआ रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। जो साकेत है यह है मैथिली शरण गुप्त की रचना और इसमें वर्णन किया गया है रामकथा का। और जो साकेत है यह एक महाकाव्य भी है। अगला जो प्रश्न है 33। तो पूछा गया है श्री रामार्चन पद्धति के रचयिता का नाम बताइए। तो जो ये रचना है श्री रामार्चन पद्धति
तो ये है रामानंद की रचना, डी से ही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 34, तो पूछा गया है रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो ये है गलताजी में, सी से ही विकल्प रहेगा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी किस राज्य में स्थित है, तो ये है राजस्थान में और ये है राजस्थान के गलताजी में। अगला प्रश्न है 35, तो पूछा गया है तपसी शाखा का पलबन किसने किया था, तो जो तपसी शाखा का पलबन किया गया था तो ये किया गया था द्वारकादास के द्वारा, विकल्प भी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है 36, तो पूछा गया है भक्तमाल के रचयिता कौन थे, जो भक्तमाल के रचयिता थे तो ये थे नाभादास, विकल्प सी सही ठहरता है। अगला प्रश्न है 37, तो पूछा गया है मूल गोसाई चरित के रचयिता का नाम बताइए, तो जो मूल गोसाई चरित के रचयिता हैं तो ये हैं बेनी माधवदास, यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही ठहरता है और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 38, तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये होगा विकल्प भी मूल गोसाई चरित, जो मूल गोसाई चरित है तो ये है बेनी माधव दास की रचना। अगला प्रश्न है 39, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं, जो तुलसी की कवितावली है उनमें उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक मिलते हैं, तो विकल्प सी सही ठहरता है और ये प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं पर नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न है 40, तुलसीदास का समय इनमें से क्या है, जो तुलसीदास का समय माना जाता है तो ये माना जाता है 1532 ईस्वी से लेकर 1623 ईस्वी तक, विकल्प ए यहाँ पर सही ठहरेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41, तो पूछा गया है तुलसी की माता का नाम बताइए, तो जो तुलसी की माता का नाम था तो ये था हुलसी, विकल्प भी सही होगा यहाँ पर, तुलसी की माता का नाम है हुलसी। अगला प्रश्न है 42, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ पर माना है, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे तो इन्होंने तुलसीदास का जन्म माना था राजापुर में, यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही ठहरेगा। अगला प्रश्न है 43, तो पूछा गया है अस्थि चर्म में देह मम तामी ऐसी प्रीति, ये कथन किसका है, तो ये कथन है तुलसी की पत्नी रत्नावली का, यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा और ये पंक्ति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति तुलसीदास को उनकी पत्नी ने उस समय कहा था जब तुलसीदास अपनी पत्नी से बेहद ज़्यादा प्रेम करते थे और उनके प्रेम वश में पढ़कर वे नदी पार कर उनके घर भी पहुंच गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 44, तो पूछा गया है काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था, तो ये किया था विकल्प भी शेष सनातन के पास। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो तुलसी के शिक्षा गुरु कौन थे, तो ये थे शेष सनातन, और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है सिंपली कि तुलसी के गुरु कौन थे, तो तुलसी के गुरु थे नरहरिदास, शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। शिक्षा से संबंधित होने के कारण आप लोग याद रख सकते हैं शेष शी श से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 45, तो पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या मानी है 12, विकल्प भी सही ठहरेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 46, तो पूछा गया है इनमें से तुलसी का समकालीन कौन थे, जो तुलसी के समकालीन थे तो ये थे रहीम, नंददास, सूरदास, उपयुक्त सभी, विकल्प डी बिल्कुल सही ठहरेगा। रहीम सूरदास और नंददास ये तीनों तुलसी के समकालीन थे। अगला जो प्रश्न है 47, तो पूछा गया है बड़वे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी, तो जो बड़वे रामायण की रचना की थी तुलसी ने तो ये की थी रहीमदास के आग्रह पर, यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है 48, तो पूछा गया है तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है, तो जो तुलसी की गीतावली है तो ये है सूरदास की रचना से प्रभावित, यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल सही ठहरता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गीतावली किसकी रचना है, तो जो गीतावली है ये तुलसीदास की रचना है। अगला जो प्रश्न है 49, तो पूछा गया है हनुमान बाहु के रचयिता इनमें से कौन है,
तो जो हनुमान बाहुक के रचनाकार हैं तो ये हैं तुलसीदास, विकल्प डी बिल्कुल सही ठहरता है। जो हनुमान बाहुक है ये तुलसीदास ने उस समय रचा था जिस समय तुलसीदास अपने बाहों के दर्द से अत्यधिक परेशान थे। अगला प्रश्न है 50, तो पूछा गया है रामचंद्रिका के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं तो ये हैं विकल्प सी केशवदास, यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। रामचंद्रिका में केशवदास ने भगवान राम का बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है 51, तो पूछा गया है रामचरितमानस के राम में कौन कौन से गुण हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, अर्थात शक्तिशील सौंदर्य, ये तीनों गुण रामचरित के राम के पास है। यहाँ पर जो रामचरितमानस है इसके रचयिता हैं तुलसीदास, आपको ये भी याद रखना है। अगला जो प्रश्न है 52, तो पूछा गया है भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है। जो भास्कर रामायण है ये लिखी गई है तेलुगु में, यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 53, तो पूछा गया है मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता कौन हैं। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प सी एकनाथ। जो भावार्थ रामायण है ये मराठी भाषा में रचित है और इसके रचनाकार हैं एकनाथ। अगला जो प्रश्न है 54, तो पूछा गया है पौरुषीय रामायण के रचयिता का नाम बताइए। तो जो पौरुषीय रामायण है इसके रचयिता हैं नरहरि बापट, यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 55, तो पूछा गया है जो भक्ति काल के पहले केवल द्विजातियों के लिए था उसे सबके लिए किसने खोल दिया। तो यहाँ पर 55 का सही विकल्प होगा विकल्प बी रामानंद। जो रामानंद थे इन्होंने भक्ति मार्ग पहले केवल द्विजातियों के लिए ही माना जाता था, जो रामानंद थे इनसे पहले भक्ति मार्ग सिर्फ दो ही जातियों के लिए माना जाता था, परंतु रामानंद के आ जाने के पश्चात जो भक्ति मार्ग था ये सभी के लिए खोल दिया गया था, यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 56, तो पूछा गया है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो जो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो ये थे विकल्प डी रामानंद, यहाँ पर डी उचित आंसर होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूँ अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 57, तो पूछा गया है राघवानंद किसके गुरु थे। जो राघवानंद थे ये थे रामानंद के गुरु, यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है 58, तो पूछा गया है रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं, यह मत इनमें से किसका है। तो बताना है कि जो प्रस्तुत कथन है किसका होगा। तो यहाँ पर यह कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी सही उत्तर होगा। जो ये कथन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे कहीं पर नोट करके रखिएगा क्योंकि इस तरह के कथन आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है 59, तो पूछा गया है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, ये पंक्ति किसकी है। तो ये प्रश्न भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये प्रश्न ये उत्तर होगा गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, ये होगा रहीम की पंक्ति। अगला जो प्रश्न है ये है 60, तो पूछा गया है तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। तो ये लिखी थी विकल्प भी विनय पत्रिका, यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 61, तो पूछा गया है रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई थी। तो जो रामचरितमानस की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हुई थी तो ये हुई थी 2 वर्ष 7 माह के अंतर्गत, यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 62, तो पूछा गया है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो ये हैं 7 कांड, यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 63, तो पूछा गया है रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी 1631 विक्रम संवत में, विकल्प ए उचित होगा।
अगला प्रश्न है 64 पूछा गया है, रामचरित मानस का पांचवा कांड कौन सा है? तो जो रामचरित मानस का पांचवा कांड है तो ये होगा सुंदरकांड। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 65 पूछा गया है, इनमें से रामकथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? तो जो रामकथा का मार्मिक प्रसंग होगा तो ये होगा चित्रकूट प्रसंग। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 66 पूछा गया है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 67 पूछा गया है, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? तो जो ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन है ये रामचरितमानस के उत्तर कांड में विवेचित है। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 68 पूछा गया है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वच्छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। तो ये कथन भी होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और पूछा गया है किसका कथन है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 69, तो पूछा गया है, दुल्ह रामसीय दुल्ही री, ये पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये पंक्ति होगी, ये होगी गीतावली की, और ये ली है तुलसीदास द्वारा। तुलसीदास ने गीतावली में ये पंक्ति कही है। अगला प्रश्न है 70, तो पूछा गया है, बालदे विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिए वे कौ काल रसना पसारी, ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास जी की, और ये ली गई है कवितावली से। यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अगला जो प्रश्न है 71, तो पूछा गया है, राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? तो जो राम के बाल रूप की झांकी सर्वाधिक वर्णित की गई है तो ये की गई है विकल्प बी कवितावली में। यहाँ पर जो विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 72 पूछा गया है, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, तो ये जो पंक्ति है ये होगी तुलसीदास की, और ये है कवितावली की। यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 73, तो पूछा गया है, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति किस कवि की है? तो ये प्रश्न भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे कहीं पर नोट करिएगा। तो जो ये पंक्ति होगी ये होगी तुलसीदास की पंक्ति है, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति है तुलसीदास की। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 74, तो पूछा गया है, अबलो नसानी अबना नसे हो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये प्रश्न भी है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिन भी प्रश्न को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहता हूँ इसे कहीं पर नोट करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो ये पंक्ति है अबलो नसानी अबना नसे हो, तो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये है विनय पत्रिका की, और ये पंक्ति कही गई है तुलसीदास जी द्वारा। अगला जो प्रश्न है 74, तो पूछा गया है, तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? तो जो तुलसी के विनय पत्रिका काव्य ग्रंथ है इसमें शांत रस की प्रधानता होगी। यहाँ पर जो विकल्प बी है ये उचित होगा। प्रश्न संख्या है 76, तो पूछा गया है, जाके प्रिय नाराम विदेही पद किस पुस्तक में है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, विनय पत्रिका। जो विनय पत्रिका है इससे ये पद लिया गया है। पद है जाके प्रिय ना राम विदेही, जो ये पद है ये तुलसीदास जी का पद है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है ये है 77, पूछा गया है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? जो तुलसीदास थे इनकी भक्ति है दास्य भाव की। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि माधुर्य भाव की भक्ति किसकी थी। हाँ, आपको ये प्रश्न आज का है कि आपको बताना है जो माधुरी भाव से भक्ति भावना थी, माधुरी भाव से जो भक्ति करते थे वे कौन हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो सख्य भाव की भक्ति थी ये थी सूरदास की। आपको ये प्रश्न है, आपको बताना है माधुरी भाव की भक्ति किसकी थी। आपको ये एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये है एक महिला संत है। अगला प्रश्न है 78, पूछा गया है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? जो तुलसीदास थे ये विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त थे। यहाँ पर डी उचित होगा।
अगला जो प्रश्न है यह है 79, पूछा गया है रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण से है। तो जो रामचरितमानस रचना थी तुलसीदास जी की, ये आज जीवन मूल्यों के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है यह है 80, पूछा गया है राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे रामचरण दास। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा और ये प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। अगला जो प्रश्न है ये है 81, तो पूछा गया है भक्तमाल के रचयिता कौन थे। तो जो भक्तमाल के रचयिता थे तो ये नावादास थे। यहाँ पर विकल्प डी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 82, तो पूछा गया है इनमें तुलसी की कृति कौन सी है। तो जो तुलसी की कृति होगी अर्थात तुलसीदास की कृति होगी तो ये होगी पार्वती मंगल। जो पार्वती मंगल है इसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बारे में बताया गया है। अगला जो प्रश्न है ये है 83, तो पूछा गया है इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है। जो तुलसीदास की रचना है यहाँ पर यह है वैराग्य संदीपनी। यहाँ पर भी बिल्कुल उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 84, तो पूछा गया है बरबे रामायण के रचयिता कौन है। जो रचना है बरबे रामायण ये तुलसीदास की रचना है। यहाँ पर जो विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न है 85, तो पूछा गया है रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ से किया था। तो ये किया गया था अयोध्या से। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 86, तो पूछा गया है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया था। तो ये किया गया था रामानंद के द्वारा। यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 87, तो पूछा गया है तपसी शाखा का गठन किसने किया था। जो तपसी शाखा का गठन था ये द्वारिका दास के द्वारा किया गया था। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 88, तो पूछा गया है रामरक्षा स्त्रोत की रचना किसने की थी। तो जो रामरक्षा स्त्रोत है इसकी रचना की थी रामानंद के द्वारा। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 89, हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे। तो ये थे विकल्प बी स्वामी रामानंद। यहाँ पर आपको एक प्रश्न छोड़ देता हूँ मैं, आपको बताना है जो स्वामी रामानंद थे इनके 12 शिष्यों में से किन्हीं 2 शिष्यों का जिक्र आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये प्रश्न आपके लिए है। अगला जो प्रश्न है ये है 90, तो पूछा गया है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है। जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था ये था भक्ति काल। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है यह है 91, तो पूछा गया है जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। तो ये थे विकल्प ए अगरदास जी। जो अगरदास थे ये जानकी जी की सखी बनकर राम भक्त कवि के तौर पर जाने जाते थे और रचना करते थे। अगला जो प्रश्न है ये है 92, तो पूछा गया है तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो जो तुलसी की मान्यताएं थी ये श्री संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित थी। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये 93 है, तो पूछा गया है तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना था। तो ये माना था स्मिथ के द्वारा। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 94, पूछा गया है महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताना है ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है जॉर्ज ग्रियर्सन की। यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते थे जो महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। अगला प्रश्न है 95, पूछा गया है प्रस्थान चतुष्टय में किस पुराण को शामिल किया जाता है। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा।
अगला जो प्रश्न है ये है 95। तो पूछा गया है ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी थी। जो ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा दी थी ये नारद के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये 97 है। तो पूछा गया है इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई है। तो जो साकेत है इसकी रचना भक्ति काल में नहीं हुई है, इसकी रचना आधुनिक काल में हुई है और इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। बाकी जो रामचरितमानस है, अवध विलास है और भक्तमाल है, इन तीनों की रचनाएं भक्ति काल में हुई है। इसे भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है ये है 98। तो पूछा गया है वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य का समय क्या है। जो वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य थे इनका समय माना जाता है 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 99। तो पूछा गया है इनमें से तुलसी का समकालीन कवि नहीं है। जो नावादास थे ये तुलसी के समकालीन कवि नहीं थे। बाकी केशवदास, रहीम और सूरदास ये तीनों तुलसी के समकालीन माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है 100। तो पूछा गया है रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं। जो रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी 7वीं पीढ़ी में आते हैं। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। विकल्प भी उचित होगा। अगला प्रश्न है 101। तो यहाँ पर पूछा गया है नावादास जी के गुरु का नाम बताइए। तो जो नावादास थे इनके गुरु का नाम था अग्रदास। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। नावादास और अग्रदास इन दोनों का संबंध भक्ति काल से रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। अगला जो प्रश्न है 102। तो यहाँ पर पूछा गया है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है। विकल्प में है मध्वाचार्य, नावादास, रामानंद या राघवानंद। तो यहाँ पर जो उचित विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। जो रामानंद थे ये रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है ये है 103। तो यहाँ पर पूछा गया है भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन मिलता है। जो भक्तमाल रचना है ये रचना है नावादास की। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो जो यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जो भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन। सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 104। तो पूछा गया है कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किस कवि की है। जो ये पंक्ति है तो ये है विकल्प भी नावादास की। जो नावादास की रचना है भक्तमाल, इसमें नावादास ने तुलसी के बारे में ये पंक्ति कही है कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये पंक्ति भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पंक्ति नावादास ने तुलसीदास जी के संबंध में कही है। अगला जो प्रश्न है 105। तो यहाँ पर पूछा गया है हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है। जो ये रचना है हनुमान नाटक, तो इसके जो रचयिता ये है हरिदेव राम। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 106। तो यहाँ पर पूछा गया है रामायण महानाटक के रचयिता का नाम बताइए। जो ये प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो रामायण महानाटक रचना है इसके रचनाकार होंगे प्राणचंद चौहान। यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 107। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। तो ये कथन किस आलोचक का है। तो ये कथन भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये कथन इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। अगला जो प्रश्न है 108। तो यहाँ पर पूछा गया है तुलसीदास ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। ये कथन किस ग्रंथ का है। जो ये कथन है ये हिंदी साहित्य का इतिहास का है और ये कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये कथन भी इम्पॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में स्थापना और तर्क वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, वे सभी प्रश्न इन कथनों से ही लिए जाते हैं। तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखिएगा।
अगला जो प्रश्न है ये है 109, तो पूछा गया है राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन किसने किया। तो जो राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन किया था तो ये किया गया था जीवाराम जी द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प डी है ये बिल्कुल उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 110, तो यहाँ पर पूछा गया है रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, तो प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है। तो ये कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और यहाँ पर विकल्प डी उचित होगा। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 111, तो पूछा गया है निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की थी। तो जो रघुनाथ चरित की रचना की थी तो ये की थी परशुराम देव के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प डी बिल्कुल उचित होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो परशुराम देव थे किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये थे निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित, और जो इनकी रचना थी ये थी रघुनाथ चरित। अगला जो प्रश्न है ये है 112, तो पूछा गया है राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ लिखा था। तो जो ये ग्रंथ है रघुनाथ लीला, तो इसे लिखा है माधवदास के द्वारा। जो माधवदास थे ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कवि थे, और इनकी रचना का नाम था रघुनाथ लीला। अगला प्रश्न है 113, तो पूछा गया है ध्यानमंजरी किस कवि की रचना है। तो जो ये रचना है ध्यानमंजरी ये होगी अग्रदास की रचना। यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल उचित होगा। जो कृष्णदास परिहारी हैं ये अग्रदास के गुरु हैं, और जो अग्रदास हैं ये नावादास के गुरु हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया है 115, कौन सी कृति ईश्वरदास की है। जो ईश्वरदास थे इनकी कृति के बारे में बताना है, तो ये है अंगद पैज, विकल्प सी उचित होगा। अगला प्रश्न है 116, तो पूछा गया है रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गृहस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भाववेग और अनासक्त चिंतन का भी समन्वय है, ये कथन किस आलोचक का है। तो जो ये कथन है ये होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये कथन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ये है 117, तो पूछा गया है नरहरि बापट की रचना का नाम बताइए। तो जो नरहरि बापट है इनकी रचना का नाम है पौरुषीय रामायण। यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 118, तो पूछा गया है कौन सी कृति लालदास की है। जो लालदास है इनकी कृति का नाम है अवध विलास। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है 119 है, तो पूछा गया है रामरासों के रचयिता इनमें से कौन है। तो जो माधवदास चारण है ये रामरासों के रचयिता हैं, इनकी रचना का नाम है रामरासो। अगला प्रश्न है 120, तो पूछा गया है गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की। तो जो गुरुमुखी लिपि थी इसमें रामायण की रचना की थी, विकल्प सी कपूरचंद त्रिखा के द्वारा, सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 121, तो पूछा गया है हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, यह पद इनमें से किस कवि का है। तो जो ये पद है ये भी है इम्पॉर्टेंट, और ये कहा है तुलसीदास जी ने। पद है हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, इम्पॉर्टेंट पद है दोस्तों ये भी। अगला प्रश्न है 122, तो पूछा गया है रामानंद के गुरु का नाम बताइए। तो जो रामानंद के गुरु थे ये थे राघवानंद। राघवानंद रामानंद के गुरु थे। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो रामानंद थे इनके शिष्यों की संख्या कितनी है। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप अवश्य कमेंट में बताइए कि रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है, और उनमें जो प्रसिद्ध शिष्य माने जाते हैं उनका नाम भी अवश्य बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए है। अगला जो प्रश्न है 123, तो पूछा गया है अवध विलास की रचना कब हुई थी। तो जो रचना है अवध विलास, इसकी रचना हुई थी 1673 ईस्वी में। यहाँ पर विकल्प डी उचित होगा। अगला प्रश्न है 124,
तो पूछा गया है रामचरितमानस का रचनाकाल इनमें से क्या है। तो जो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, महाकाव्य है, इसका रचनाकाल है 1576 ईस्वी। यहाँ पर जो विकल्प भी ये उचित होगा। अगला प्रश्न है 125, रामकथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है। तो जो रामकथा से संबंधित ग्रंथ होगा जिसमें छंदों की विविधता होगी, तो ये होगा विकल्प सी रामचंद्रिका। जो रामचंद्रिका रचना है ये केशवदास की है। अगला जो प्रश्न है तो ये है 126, तो पूछा गया है भरत मिलाप के रचयिता का नाम बताइए। तो जो भरत मिलाप रचना है इसके रचनाकार का नाम होगा ईश्वरदास। यहाँ पर विकल्प डी उचित होगा। अगला प्रश्न है 127, तो पूछा गया है जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। जो जानकी मंगल रचना है ये अवधि भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है 128, तो पूछा गया है इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति निरूपक नहीं है। तो ये होगा दोस्तों विकल्प सी कवितावली। बाकी हित तरंगिनी, साहित्य लहरी और रसमंजरी ये तीनों रचनाएं रीति निरूपक ग्रंथ हैं। सिर्फ कवितावली जो तुलसीदास की रचना है ये रीति निरूपक नहीं है। अगला जो प्रश्न है 129, तो पूछा गया है केशवदास का रीति निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो जो केशवदास का रीति निरूपक ग्रंथ है ये है विकल्प ए कविप्रिया। बाकी जो रचना है अर्थात विकल्प में रचना है विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, ये तीनों रचनाएं भी केशवदास की ही हैं। अगला प्रश्न है 130, तो पूछा गया है तुलसीदास इनमें से किस कवि के समकालीन थे। तो जो तुलसीदास थे ये उपयुक्त सभी के समकालीन थे। इसमें आता है रहीमदास, नावादास और रसखान, ये तीनों इसमें आते हैं।